मध्य प्रदेश सरकार ने आज लाडली बहना योजना की 16वीं किश्त जारी की। इससे लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 1,250 रुपए की धनराशि पहुंचाई गई। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाना है, जिसमें 21 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल रहा है। सरकार अभी तक कुल 15 किश्त का भुगतान कर चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में लाडली बहन योजना के तहत रकम भेजी। सीएम मोहन यादव लाडली बहना योजना के कुल 1,574 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर चुके हैं। इससे हर महिला के खाते में 1,250 रुपए की धनराशि पहुंची और इस बात की जानकारी सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए दी है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में भी 332.43 करोड़ रुपए भेजे गए। इसके लिए कृषि उपज मंडी बीना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है।